मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ रियल नंबर, 10th क्लास का रियल नंबर का असाइनमेंट। देखिए रियल नंबर, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, और इंग्लिश का इसका डिफिनेशन होगा ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स कलेक्टिवली फ्रॉम रियल नंबर्स। देखिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पर कुछ नोट में लिखे हैं, नोट में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रेशनल नंबर्स और प्राइम नंबर। देखिए इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है इन सारे टॉपिक को पढ़ना, ठीक है? तो मैं इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, 9th क्लास का असाइनमेंट, आप लोग पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? देखिए फॉर गिवेन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक्यू होल नंबर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइनिंग द रिलेशन ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ जो आर का मान होगा, ये देखिए जो आर का मान होगा वो 0 से बड़ा और बराबर और बी से छोटा। अब देखिए इसको हिंदी में, यूक्लिड विभाजन परिमेय का दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर हम ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं क्यू और आर ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस फार्मूला का उपयोग करके हम एच सी एफ ज्ञात करते हैं। ये एक HCF ज्ञात करने का टेक्निक है, तरीका है यूक्लिड विभाजन परिमेय का। यहाँ पर देखिए इसका उपयोग करके HCF कैसे निकालते हैं? हम पूर्णांकों 455 और 42 का HCF ज्ञात करना है, यूज ऑफ यूक्लिड डिविजन लेमा। सबसे पहले देखिए 455 है और क्या है 42 है, तो इस फार्मूला का उपयोग कैसे करें? इस फार्मूला का A=BQ+R का उपयोग करके इसका HCF निकालना है। यहाँ देखिए जो अंक बड़ी होगी, यहाँ पर देखिए 455 और 42 में जो अंक बड़ी होगी उसको मानेंगे ए, उसको क्या मानेंगे ए, और जो अंक छोटी होगी उसको मानेंगे बी। यहाँ देखिए 455 तो ए माने हैं और बी माने हैं, क्योंकि जो संख्या बड़ी रहती है उसको ए मानते हैं प्रॉब्लम सेट करने के लिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए एक फार्मूला होता है यूक्लिड डिविजन लेमा से, A=BQ+R, ए के जगह पर क्या रखेंगे 455 और बी के जगह पर 42। और देखिए जहाँ पर इसमें जहाँ A=2 होता है डिविडेंट मतलब भाज्य, और B=2 होता है डिवाइजर भाजक, और Q=2 क्वाटियंट भागफल, और R=2 रिमाइंडर शेषफल। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं भाज्य बराबर बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिविडेंट इजकल टू डिवाइजर गुणे क्वाटियंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर देखिए 455 है, एक जगह पर रख दिया 455, और बी के जगह पर 42 ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब A=BQ+R। अब देखिए इसको ऐसे तोड़ना है कि 455 आ जाए, तो कैसे तोड़ेगा? 42 × 10 + 35। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर में जो है रिमाइंडर, इसमें 0 आना चाहिए, इसमें क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तब तक यह प्रक्रिया करना है जब तक कि आर के जगह पर रिमाइंडर के जगह पर 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर 0 नहीं आया है, तो फिर से आगे करेंगे। देखिए फिर से इसमें से किसको लेंगे? भाजक को लेंगे और शेषफल को लेंगे, भाजक और शेषफल, दो अंक फिर मिल जाएगा। इस दोनों अंक में जो अंक बड़ी होगी उसको ए मानेंगे, जो अंक बड़ी होगी उसको ए मानेंगे। तो ये यहाँ पर 42 और बी क्या होगा 35। फिर देखिए एक जगह पर यहाँ पर देखिए 42 और बी की जगह पर यहाँ पर 35 इंटू मल्टीप्लाई 1, ये 1 कहाँ से आ गया? ये 1 इसलिए यहाँ पर रखेंगे कि जोड़ने और गुणा करने पर 42 आ जाए। जोड़ने और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 42। तो ये अपने मन से यहाँ पर एक रख दिए हैं, क्यू की जगह पर एक हो जाएगा प्लस 7, तो फिर जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 42। यहाँ पर भी देखिए शेषफल 0 जब तक नहीं आएगा तब तक करेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी 0 नहीं आया है, तो फिर 7 है, फिर 7 और 35 उठाना है, तो 35 को ए मानेंगे और 7 को बी। तो देखिए 35 को ए भाजक है और शेषफल 7, फिर 35 को ए मान लीजिए और बी के जगह पर 7 रख देना है, तो 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 35 आ जाएगा, प्लस शेषफल क्या हुआ 0। देखिए यहाँ पर
जब जीरो से असफल हो जाता है तो जो भाजक होता है, वही एचसीएफ होता है। वही क्या होता है? एचसीएफ होता है 42 और 455 का, 42 और 455 का। ध्यान देखिए, इसका भाजक है 7, 7 हुए भाजक, तो यहाँ पर 455 और 42 का एचसीएफ 7 होगा, 455 और 42 का एचसीएफ 7 होगा। आप लोग समझ गए कैसे उपयोग करके इसका इसको बनाते हैं। ये है उपयोग करके डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके इसका एचसीएफ निकाला गया है। देख लीजिए, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फार्मूला पर, समझ गए? अब देखिए आगे, सबसे पहले देखिए लेमा, एक नोट में लिखे हैं लेमा, अगर लेमा आ जाए मतलब लेमा के हिंदी में कहते हैं प्रमेय का, मतलब ये क्या है? यहाँ देखिए, प्रमेय का एक कथन है, प्रमेय का एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। प्रमेय का एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है, समझ गए लेमा मतलब। अब देखिए दो नंबर आता है यूक्लिड, दो नंबर में आता है यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। ये देखिए क्या है, ये है एच सी एफ ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी विथ ए बड़ा होगा। अभी आपको एग्जांपल दिया था, उसमें देखे थे जो संख्या बड़ी होगी उसको ए मानेंगे, जो संख्या छोटी होगी उसको बी मानेंगे। ए ग्रेटर देन बी इज ऑब्टेंड एज फ्लोज। देखिए दो धनात्मक संख्याएं, दो धनात्मक संख्याओं ए और बी, जहां पर ए बड़ी होगी और बी छोटी होगी, के महत्तम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए निम्नांकित चरणों की आवश्यकता होती है। देखिए सबसे पहले अप्लाई करते हैं कौन सा, यूक्लिड डिवीजन लेमा टू ए एंड बी टू फाइंड क्यू एंड आर सच डेट एज कल टू बी क्यू प्लस आर। कहता है कि ए और बी के लिए, ए और बी के लिए यूक्लिड डिविजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। इसके लिए हम पूर्ण संख्याएं क्यू और आर को लेते हैं जो एज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करती है, ठीक है। स्टेप टू में कहता है इफ आर इज इक्वल टू जीरो एच सी एफ ए और बी, अगर आर का मान जब जीरो आ जाता है, अभी बताया ना, जब आर का मान जब जीरो आ जाएगा तो ए और बी का एच सी एफ क्या होगा, बी होगा। वहां पर भाजक बी होता था, देखिए वहां पर देख लीजिए भाजक बी, इफ आर नॉट इक्वल टू जीरो, अगर आर जीरो के बराबर नहीं आ रहा है तो अप्लाइंग कब तक करते रहना है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू बी और आर अप्लाई करते रहना है, जब तक जीरो नहीं आए तब तक क्या करना है, अप्लाई करते रहना है। अभी हम वहां पर अप्लाई कर रहे थे, इसके पीछे वाला उदाहरण जो दिए थे, देखिए इसके पीछे वाला उदाहरण जो 455 और 42 का, उसमें अप्लाई कर रहे थे जब तक शेषफल रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा था, तो वही आर एज इक्वल टू बी के प्लस जो आर होता है ना, वही यहाँ पर आर देखिए जीरो आएगा तो क्या होगा, एचसीएफ डायरेक्ट बी हो जाएगा, ये स्टेप टू कहता है। अब देखिए यदि आर इज इक्वल टू जीरो भाजक बी ही ए और बी का एचसीएफ होगा, देखिए एचसीएफ है, किंतु आर नॉट इक्वल टू जीरो तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग भाजक बी और शेष आर के साथ करेंगे, साथ करें, ठीक है। स्टेप तीन में कहता है देखिए कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज जीरो, द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। कहता है कि विभाजन प्रमेय का प्रयोग तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि शेष शून्य न हो जाए, जब शेष शून्य हो जाए तब भाजक बी अवशिष्ट संख्याओं का एचसीएफ होगा, समझ गए। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, जब तक करते रहना है विभाजन प्रमेय का प्रयोग, तब तक करते रहना है जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता, जीरो आ जाएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि बी जो बी होगा भाजक वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। अभी इसके पीछे वाले में हम सेम टू सेम प्रोसेस आपको बता रहे थे, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को बता रहे थे, तब बोला था ना कि यहाँ पर जीरो आना चाहिए, तब तक करते रहना है। यहाँ पर देखिए उसके बाद है नंबर तीन में द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, अंकगणित की आधारभूत परिमेय, अंकगणित की आधारभूत परिमेय। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इ वेरी पॉजिटिव कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीग्रल लिखा है INTEGRL इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द फैक्टर एक्यूर। अब देखिए इसका हिंदी में देखिए क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे
प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को, आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। समझ गए? देखिए, ये बात आपको समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को समझना। तो यहाँ पर देखिए, भाज्य संख्या तो आपको बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाज्य संख्या आ रहा है और अभाज्य संख्या आ रही है और धनात्मक पावर आ रहा है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपको समझा देते हैं क्या होती है। देखिए, वैसी प्रकृत संख्या जो एक और स्वयं की आला में किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ पर देखिए, चार जो है ना, एक से भी विभाजित हो जाएगा और स्वयं चार से भी विभाजित हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए, दूसरी संख्या से भी विभाजित होना चाहिए, मतलब कि दो से भी विभाजित हो जाएगा, दूसरी संख्या से हो रही है ना, तो उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे मैं 4, 6, 8, 9, 10, समझ गए? और यहाँ पर देखिए, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखिए, भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन, ए कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर दैट हैज एट लीस्ट वन डिवाइजर अदर देन वन एंड इट सेल्फ। एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 10 इटीसी। उसके बाद देखिए अभाज्य संख्या। उसके बाद क्या देखिएगा? अभाज्य संख्या देखिए, नोट में देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी प्रकृत संख्या है, वैसी प्रकृत संख्या जो एक और स्वयं के, एक और स्वयं के अलावे किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे मैं 7 और 17 और 41, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो 7 है, देखिए यहाँ पर जो 7 है ना, ये एक और अपने अलावा, मतलब अपने मतलब क्या, 7, अगर 7 है तो 7 और 1, ये एक और 7 से ही विभाजित होगी और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। जो 7 है वो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, इसलिए यह क्या है? अभाज्य संख्या है। समझ गए? और 41 भी देखिए, यहाँ पर 41 भी अपने और एक के अलावा, अपने और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, इसलिए क्या है? अभाज्य संख्या है। और इसको इंग्लिश में, कहते हैं प्राइम नंबर। यहाँ पर देखिए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। तो इसका डिफिनेशन होगा, ए प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाई एट इट सेल्फ एंड वन, फॉर एग्जाम्पल 7, 17, 41 ETC। समझ गए? मतलब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझ गए। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, देखिए इसका उपयोग करके, एक हम क्वेश्चन बनाए हैं और क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। एक्सप्रेस्ड इच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले देखिए, 156 है, इसको व्यक्त करना है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो 156 है ना, तो सबसे पहले देखिए, 2 यहाँ पर लिए हैं तो 78, फिर 2 लिए हैं तो 39, फिर 3 से तो 1 और 3। उसके बाद देखिए 2, 2, 3 और 13, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है तो यहाँ पर देखिए, अभाज्य गुणनखंड ये वाला हुआ 2, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 2 और 2 में मल्टीप्लाई करते तो 4 हो जाता है। जब यहाँ पर 4 रखते तो क्या हो जाता है? भाज्य संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है? भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में तोड़ना है ना, तो यहाँ पर देखिए 2 है अभाज्य संख्या और 3 है भी अभाज्य संख्या, क्योंकि ये भी स्वयं और 1 से, स्वयं और 1 से कटती है और किस संख्या से नहीं कटती है, और 13 ये है अभाज्य संख्या। तो मतलब कि ये टूट गया आपको किस में? अभाज्य संख्या के रूप में। लेकिन यहाँ पर समझने वाली देखिए क्या बात है, समझने वाली बात यह है कि हरदम बढ़ते क्रम में सजाना है। हरदम किस में सजाना है? बढ़ते क्रम में। यहाँ पर देखिए 2 है ना, यानी कि इस 3 वाले को, इस 3 को इधर रख देंगे, नहीं रखेंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे। सबसे पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 13। समझ गए? ये हुआ अभाज्य गुणनखंड में बट गया। अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझ गए? अगर भाज्य में यही बोलता कि भाज्य में तोड़िए तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या रहता? 4 होता है। यहाँ पर क्या होता है? 4 होता, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पर हो जाता कितना? 12 और 12 इंटू 13, तो किस में हो जाता?
भाज्य में, क्योंकि स्वयं और भाज्य संख्या क्या बोलती है, जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है। यहां देखिए धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। आपको ऊपर में ये बात सुनने को आई थी कि क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर उसके कहते हैं जो, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद से निगेटिव इंटीजर जिसमें माइनस लगता है, जैसे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ये सब क्या है, निगेटिव इंटीजर का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या देखिए फिर से बोल रहा हूँ मैं, परिमेय संख्या का भी वीडियो और अपरिमेय संख्या का वीडियो मैं नाइन्थ क्लास का असाइनमेंट नंबर चैप्टर नंबर वन का इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यदि पी और क्यू एक परिमेय संख्या है, पी और क्यू एक परिमेय संख्या है, तो शांत होने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, शांत दशमलव मतलब शांत प्रसार और अशांत प्रसार, जो क्यू होगा। यहाँ पर देखिए नीचे वाले को हर बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर, और जो क्यू होगा तो दो के पावर एम, दो के पावर एम इंटू दो के पाँच के पावर एन में होना चाहिए, मतलब दो और पाँच का मल्टीप्लाई होना चाहिए, दो और पाँच का मल्टीप्लाई। इसके अलावा अगर कोई भी अंक रहेगा तो अशांत हो जाएगा, और दो और पाँच का मल्टीप्लाई आ रहा है अनंत बार आ रहा है, दो और पाँच का मल्टीप्लाई यहाँ पर, दो और पाँच का मल्टीप्लाई फिर दो और पाँच का मल्टीप्लाई, तो वैसे ही शांत प्रसार होगा। कौन सा प्रसार होगा, शांत प्रसार, और क्यू हर में डिनोमिनेटर में दो और पाँच के पावर एन, दो के पावर एन एम और पाँच के पावर एम एन को छोड़कर अगर कोई भी अंक आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि अशांत दशमलव होगा। कौन सा दशमलव होगा, अशांत दशमलव होगा। समझ गए आप बात को, ये आप समझ गए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।